संडे ईवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई संडे के लिए हम इस हफ्ते की जितनी भी चुन चुन के न्यूज़ें लाते हैं तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ रही है सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, उसकी अपडेट हमने कल भी दी थी और यहाँ पर फिर अब देते हैं। और वहीं पर आपको रिवो टेनएक्स 100 की तरफ से भी उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर की अपडेट आ चुकी है। वहीं पर तीसरी अपडेट आई है उनकी, तीसरी अपडेट है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो वहां पर सबसे पहले न्यूज की बात करें तो यहां पर है रही सिंपल वन की तरफ से। सिंपल वन की तरफ से सिंपल एनर्जी जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है और ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, अब ये शायद है बंद होने जा रही है। बहुत सारी बातें चल रही हैं वैसे पर, लेकिन इसका बंद होने का कारण क्या रहा है ये हम बता दें, पर लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी नहीं पता है। अभी बंद हो रही है या क्या स्टेप रहेगा उनका ये अभी तक नहीं कह सकते, पर लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक व्यक्ति थे और मैंने उनके लिए कॉल मिलाया था जिन्होंने, क्या सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर प्री बुकिंग था और उनके पास में कंपनी की तरफ से कॉल आया। और कॉल आने के बाद में उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है अपना जो रिफंड अमाउंट है वो अपना वापस कर लीजिए, आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग है उसको कैंसिल कर लीजिए और अपना अमाउंट जो है वो रिफंड कर लीजिए। तो इससे ये लगता है कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है कैंसिल होने वाला है, यानी कि या सिंपल एनर्जी फैक्ट्री जो है बंद होने वाली है, पर ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते, सिर्फ ऐसा लग रहा है। तो भाई जितने भी आस लगा के बैठे हैं, तो आपके पास में कॉल आए तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पर लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों बंद हो रहा है, पर लेकिन यार एक ट्रस्टेड कंपनी है, अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, काफ़ी लोगों ने दिल से जोड़ लिया कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर वास्तव में बहुत अच्छा है। भाई हम भी गए थे उनकी इवेंट में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर वास्तव में एकदम नंबर वन क्वालिटी का था। पर लेकिन क्या कारण रहा कि ये प्रोसेस करनी पड़ रही है, तो उन्होंने बताया था कि भाई कि हमारा जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्कैम चलना स्टार्ट हो गए हैं, तो कल मैंने वीडियो में बता दिया, उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। भाई पर दूसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड की तरफ से उन्होंने इकेमा ऑटो एक्सपो में इटली में अपने इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया, जो कि डर्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, जो कि वीडियो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर लेकिन इलेक्ट्रिक, ये उन्होंने बताया कि ये प्रोटोटाइप है, उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, पर लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक को उन्होंने चलाया भी है, टेस्टिंग भी किया। उन्होंने कहा कि भाई और वो 2021 से इस इलेक्ट्रिक बाइक को टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करते करते उन्होंने इकेमा ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च कर दिया गया। पर लेकिन अब उन्होंने लॉन्च नहीं किया, मतलब इस प्रकार से लॉन्च नहीं किया कि कमर्शियली लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ उन्होंने बताया कि भाई हम भी इलेक्ट्रिक वेरिएंट पर काम कर रहे हैं, वो किसी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने, हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड उनकी जो है और इलेक्ट्रिक वेरियंट पर और इलेक्ट्रिक बाइक आ सके, ये इलेक्ट्रिक बाइक आपको नहीं मिलने वाली। और इस इलेक्ट्रिक बाइक के स्पेक्स भी नहीं बताए थे, क्या मोटर पावर होने वाली है, क्या बैटरी पावर होने वाली है, IP67 है या नहीं है, ये अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी। भाई पर तीसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, रिवो टेनएक्स 100 की इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, इसमें बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर मैंने अभी, उन्होंने आज दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली थी, और पोस्ट में मैंने कहा था कि भाई यार आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया, प्राइस भी बता दिए, पर लेकिन ये बताओ कि यार टेस्ट राइड कब मिलने वाली है, हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्चुअल में कब चलाने को मिलेगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, पर लेकिन कमेंट में मैंने जो बात पूछी थी, तो उन्होंने, मैं कमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया था कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में वो जो है अपनी टेस्ट राइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी अपडेट आने के बाद में आप देख सकते हैं कि उनका फरवरी में अगर टेस्ट राइड होगी, फरवरी और मार्च में, तो वहां पर हम जाएंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहेगा उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का, जो कि आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई इंतजार करते करते आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भाई अच्छा है, पर लेकिन अभी दिल से मत लेना, आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, पर लेकिन दिल पर मत लेना, उनका ₹499 में आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो हो, आपका मन कर रहा है तो कर लीजिए, वरना देख सकते हैं जब तक फरवरी और मार्च में जब जाएंगे, तब हम आपको पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के पूरा तरीके बताएंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर में है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, सारी बातें डिस्कशन करेंगे। पर लेकिन फरवरी और मार्च का इंतजार करने पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपके लिए ये अपडेट भी प्राप्त हो गई है। और दीपावली की इंडिया ऑटो की तरफ से पूरी फैमिली के लिए हैप्पी दीपावली, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली अच्छे रहिए, सेफ चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है या आपके पास में है या आप लेने वाले हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखिए, सेफ्टी का ख्याल रखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर को सही से चलाइए, बड़े आराम से चलाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।